मोदी सरकार की कैबिनेट में हिमाचल से जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार मिलने पर कांग्रेसी नेता भी बधाई देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमीरपुर में प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने कहा कि जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्री बनने पर उम्मीद जताई जा रही है कि इन पुराने मतभेदों को भुलाकर हिमाचल के लोगों के हित के लिए कार्य किए जाएंगे और अब हिमाचल के विकास के लिए और भी नई योजनाएं सिरे चढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में सत्तासीन रही हो अथवा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रही हो, भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एकमात्र एजेंडा, एकमात्र लक्ष्य रहा, वो था किसी न किसी प्रकार से वीरभद्र सिंह को बदनाम करना, उनके खिलाफ षड्यंत्र करना और वीरभद्र सिंह के साथ दुष्प्रचार करना। हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल प्रदेश का भाजपा का नेतृत्व अब तक हिमाचल प्रदेश के जो सरोकार हैं, हिमाचल प्रदेश का जो विकास है उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय मात्र उनका लक्ष्य, उनका एजेंडा, उनका मुद्दा वीरभद्र सिंह तक सीमित था। नड्डा जी के मंत्री बनने से मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो है वो वीरभद्र सिंह के एजेंडे को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के जो विकास का एजेंडा है, हिमाचल प्रदेश की जनता की जो मुश्किलात हैं उनका जो एजेंडा है और हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो मसले केंद्र के पास लंबित हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद देने का मसला हो या कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी मसले हिमाचल भारत सरकार के समक्ष लंबित हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको हल करने में श्री जगतराज नड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इसके मुखिया वीरभद्र सिंह जी हैं, उनके प्रति और हिमाचल प्रदेश के प्रति सहयोगात्मक रुख जो है उसको अख्तियार करेंगे और मैं समझता हूँ कि उनके मंत्री बनने से हिमाचल प्रदेश को लाभ होगा। मैं उनको एक बार पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।